कैसे हैं आप सभी। वेलकम ऑन कॉप्स एकेडमी। मैं हूं संदीप और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन। मध्य प्रदेश के वन का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पिछले दो क्लासेस हमारी हो चुकी है, ये हमारी थर्ड क्लास है। तो हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, वन का GDP में उपयोग, भारत का और मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, ये सारी चीजें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इनको आप देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे आपको करंट अफेयर और मैथ्स के क्लासेस भी कंटिन्यू प्रोवाइड की जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, वन में प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो जैसे कि साल है, सागौन है, बबूल, कीकर, हर्रा, गोंद, ये जो पाए जाते हैं यहाँ किस किस जिले में पाए जाएंगे, इनका उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के उसमें देखने वाले हैं। तो इनको देखने के पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, दो चीजें होती है, एक तो मुख्य गोंद उपज, सॉरी मुख्य वन उपज होती है और एक होती है गोंद वन उपज। तो मुख्य के अंतर्गत आती है आपकी साल, सागौन और बांस। मुख्य के अंदर क्या क्या आती है, साल, सागौन और बांस। ऐसे जब गौन उपज की बात करें तो गौन उपज के अंतर्गत आपकी सारी सारी जो वन पाए जाने वाले हैं वो गौन के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि आपका खेर आ जाएगा जिससे आपका कत्था बनता है, ठीक है। इसके बाद आपका तेंदुपत्ता आ जाएगा, उसके बाद आपका हर्रा आ जाएगा, उसके बाद आपका गौन आ जाएगा। तो वो सारे आपके गौन वन उपज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य गौन उपज देखते हैं, फिर गौन उपज देखेंगे, ठीक है, सॉरी मुख्य वन उपज देखते हैं। तो मुख्य की जब बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सागौन। सागौन को हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती है, अर्थात यहाँ पे मतलब वर्षा देखी जाए थोड़ी सी अधिक रहेगी उस इलाके में होने वाले हैं। तो यहाँ जो आपका सागौन का वृक्ष है, यहाँ आपका 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाके में होता है। कहाँ पर होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाके में होने वाला है। तो आपको ना रटने की बजाय थोड़ा सा मेमोरी में यहाँ देखना है कि हमने वर्षा पड़ी थी तो कि वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वाला जो इलाका है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो उन जिलों में आपका सागौन आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। बाकी अगर हम ऐसे याद करेंगे जिले में तो जिलों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने सारे जिले हैं कैसे याद रख पाएंगे, क्योंकि हर वृक्ष के लिए अलग अलग जिले याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा इन चीजों से लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। सागौन का बॉटनिकल अगर नाम देखें तो इसको बोलते हैं टेक्टेनोग्रैंडाई, मतलब कोई ट्रैक्टर था उसको डाई कर दी, क्या था, ट्रैक्टर था उसको डाई कर दी, इसका नाम हुआ है टेक्टोने ग्रैंडाई। तो ये इसका बायो बोटनिकल नाम हो गया। उसके बाद जब वर्षा की बात करी थी 75 से 125 सेंटीमीटर वाले इलाके में होने वाला है। उसके बाद जब प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने भी वन पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई सा पाया जाता है तो वहां है आपका सागौन का वृक्ष। यहाँ कितना पाया जाता है, 19.36% आपका सागौन का वृक्ष पाया जाता है। आगे जब हमने देखा कि यह उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती है, हम बात कर चुके हैं जिले, अब देखें, देखो थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे। 75 से 125 सेंटीमीटर तो आपका होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, और अगर थोड़ा सा एक और हिंट में आपको दे देता हूं कि यहां मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। जब हमने मिट्टी पड़ी थी तो वहां पे हमने देख लिया था कि किन किन जिलों में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो उस पे आधार पर भी हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लिंक बना सकते हैं कि हाँ इन जिलों में होने वाली है। तो सागौन का वृक्ष हो गया, उसका बॉटनिकल नाम हो गया, वर्षा कितनी वर्षा वाले में पाया जाता है वो हो गया। इसके बाद इसका प्रतिशत हमने देख लिया किस प्रकार का है, कि उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती है, अर्ध पर्णपाती है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है, जिले भी देख लिए। आगे जब हम आते हैं साल पे, यहाँ पर साल का वृक्ष, साल के वृक्ष की खासियत रहती है यहाँ अधिक से अधिक वर्षा वाले में होता है, अर्थात अगर बात करें तो 125 से भी अधिक वर्षा वाला, 125 से अधिक की जैसे ही हम बात करेंगे तो आपके माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए कि बालाघाट, छिंदवाड़ा वाला जो इलाका रहता है वहां पे वर्षा आपकी ज्यादा होती है। तो उस इलाके में तो यहाँ होना ही है। उसके अलावा कुछ और जिले भी है, कुछ और जिले में देख लेते हैं, जैसे आपका जो बघेलगंज वाला इलाका है, रीवा, सीधी, ठीक है, शहडोल, यहां पे भी आपका ये साल का वृक्ष मतलब पाया जाता है।
अब थोड़ा हमने देखा कि यहाँ लाल मिट्टी के क्षेत्र में जब हमने बघेलखंड का पठार पढ़ा था और हमने जब देखा था कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में हमने देखा था कि लाल पीली मिट्टी आपकी पाई जाती है जिसको हमने चाय मिट्टी के नाम से बोला था, तो उस इलाके में आपका ये साल का वृक्ष होने वाला है। मतलब एक और हिंट मिली हमको कि लाल मिट्टी वाले जगह में आपका साल का वृक्ष होने वाला है। प्रतिशत की जब बात करें तो 4.15% अर्थात मध्य प्रदेश के जितने भी वन है उनका 4.1% आपका साल का वृक्ष पाया जाएगा। यहां भी आपका उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती है, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती होगा, ठीक है, दो चीज होगी। अब आता है बांस। बांस में जब देखते हैं तो बांस का आपका वही बोटनिकल नाम है डेंडोकैलेमस। बांस का बोटनिकल नाम है डेंडोकैलेमस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हमने इसका प्रजाति का देखा कि यहाँ जो डेंडोकैलेमस जो बांस है इसको कौन सी प्रजाति का है, तो यहाँ आपका स्ट्रिक्ट प्रजाति का है। कौन सा स्ट्रिक्ट प्रजाति का? आपका डेंडोकैलेमस नामक जो बांस है वहां मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका जो उपयोग क्या होता है कि हमारे यहाँ जो कागज बनते हैं, कागज आपके इसी से बनते हैं, लुगदी इसी से बनती है, इसके बाद हमारे यहाँ चटाई बनाने का काम किया जाता है, टोकरी बनाने का काम किया जाता है, ये सब बांस की लकड़ी का उपयोग करके करते हैं, ठीक है। वर्षा की जब बात करें तो इसके लिए 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी? 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है। आगे जब देखा तो यहाँ उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऊपर वाले जो थे हमारे सागौन और साल यहाँ उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती थे, लेकिन यहाँ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है, ठीक है। तो हम जो ये उष्ण कटिबंधीय या फिर ये सब है, जब पिछली बार हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि उष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं और अर्ध पर्णपाती कौन से होते हैं, शुष्क पर्णपाती कौन से होते हैं, वो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखें जिलों की जब बात करें तो यहाँ आपका बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, ये जिले आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जिलों को ऐसे बता भी नहीं सकते ना, इनके ट्रिक है क्योंकि हर उसमें अलग अलग जिले हैं, तो इनको आप थोड़ा एरिया वाइज अगर देखेंगे, मैंने आपको पहले से हिंट दे दी थी कि आप बारिश के आधार पर इनको देख लीजिए कि बारिश कहाँ पे कितनी हो रही है, तो उसके आधार पर आप इनको बड़े आसानी से याद रख लेंगे थोड़ा सा माइंड में क्लिक करके। तो एक और जिलों को फिर से देख लेते हैं, बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर, अब इसका उपयोग भी हम देख चुके हैं। तो इस तरह हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्य वनोपज है, मुख्य वनोपज तीन है, सागौन, साल और बांस, तीनों हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं गौण उपज, अर्थात मुख्य वन उपज के अलावा भी एक गौण उपज होती है, मतलब मेन तो ये हो जाती है, पर इसके अलावा भी हमारा जो यहाँ पे और वृक्ष पाए जाते हैं जिनका हमारी इकोनॉमी में भी प्रॉफिट रहता है और अन्य जो प्राकृतिक रूप से भी हमारा सहयोग मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी इलाका है आपका, जो शिवपुरी वाला इलाका, ठीक है, आपका सागर, सागर में तो तेंदुपत्ता आपका मुख्य रूप से पाया जाता है। छतरपुर, टीकमगढ़, अर्थात जो बुंदेलखंड वाला इलाका है उसमें आपका तेंदुपत्ते का उत्पादन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 60% तेंदुपत्ता पूरे भारत का उत्पादित किया जाता है, समझ रहे हो आपको, मतलब देश का 60% जो तेंदुपत्ता ना अकेला भारत उत्पादित करता है, अकेला भारत आपका 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन कर रहा है। उपयोग कहां होता है इसका कि बीड़ी उद्योग के अंतर्गत आपका इसका उपयोग होता है। अब आगे हम बात करें, सॉरी, जिलों की जब बात करें तो हमें देख लेते हैं कि सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, जबलपुर, रीवा और लिखा नहीं है सब, बाकी शिवपुर में भी है, क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ कारखाना मिल जाते हैं नॉर्मली रूप से, बाकी जो मुख्य आपके यहाँ पे रहेगा सागर में, टीकमगढ़ और छतरपुर, मतलब उत्तर पूर्वी वाला जो बुंदेलखंड वाला इलाका वहां पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो बन अगला बन, तो अगला जब बात करें तो आपका खेर आता है। अगला क्या आता है? खेर। खेर की बात करें तो खेर का जो मुख्य उपयोग है वहां कत्था बनाने में होता है, तो कत्था बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम इसके जब जिलों की बात करें तो शिवपुरी, मुरैना, बानमोर एक जगह है, मतलब बानमोर यहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे इस कत्थे से, खेर के वृक्ष से रिलेटेड आपको कत्था बनाने के कारखाने यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें इसका मुख्य उपयोग और देख लेते हैं कि एक तो कत्था बनाने में होगा, पेड़
चर्म शोधन और औषधि। पेंट भी इससे बनाते हैं, चर्म शोधन और चमड़े का शोधन करते हैं, उसके बाद इसका औषधि बनाने में भी उपयोग करते हैं। जिलों का थोड़ा सा और देख लें तो गुना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर और दमोह। आपने एक चीज नोट करी होगी, जो जबलपुर है, जबलपुर जिला आपको अधिकतर जगह मिल रहा है, क्योंकि जबलपुर की स्थिति मध्य में होने के कारण यहाँ पे सभी तरह के वृक्ष आपको थोड़ी से कम थोड़ी या अधिक मात्रा में मिल ही जाएंगे। अगला देखें तो हर्रा, हर्रा की बात करें तो आपने टेनिंग का नाम सुना होगा, ये टेनिंग, इसका उपयोग आपका पेंट या स्याही बनाने में किया जाता है। तो इसका ये बनता कैसे देखते हैं, जो हर्रा रहता है, हर्रा के जो फल रहते हैं, हर्रा के फल में 30 से 40% हर्रा के फल में 30 से 40% आपका टेनिंग निकलता है। इसी टेनिंग का उपयोग चर्म शोधन, स्याही, पेंट और औषधि बनाने में किया जाता है। ये जो आपका टेनिंग निकलता है या फिर टेनिंग का उपयोग तो आपने कर लिया स्याही और पेंट बनाने में, लेकिन ये जो हर्रा है इसका उपयोग आप क्या काय में करने वाले हैं, एक तो चर्म शोधन में और औषधि में भी करेंगे। इसके अलावा बात करें जो जिलों के देखते हैं तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, यहां फिर आपका जबलपुर आ रहा है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना और सिवनी। अगर देखें तो जबलपुर जिला आपका हर जगह मिल रहा है, मतलब एक तो ये कॉमन हो गया, उसके बाद आपके जो दक्षिण वाले जिले हैं वो भी अधिकतर मिल जाएंगे, ठीक है। तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना और सिवनी, और वैसे अगर देखें तो ये हर्रा है आपको पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह मिल रहा है, क्योंकि देखें तो ये तो दक्षिणी इलाका आ गया, ये उत्तरी इलाका आ गया, इसके बाद पन्ना को देखें तो यहाँ उत्तर पूर्वी में आ गया, ठीक है, और ये सिवनी ये आपका पूर्वी में आ गया, तो यहाँ सब जगह आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। इसके बाद आता है बढ़हा, क्या आता है बढ़हा, बढ़हा का उपयोग भी हम औषधि बनाने में करते हैं, बढ़हा का उपयोग औषधि बनाने में करेंगे, और यहाँ भी दक्षिणी, मध्य और पूर्वी, मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, मध्य में और पूर्व में सभी जगह आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे जब आंवला की बात करें तो आंवला का उपयोग भी मुख्य रूप से आप औषधि बनाने में करने वाले हैं, और आंवला भी आपको दक्षिणी, मध्य और पूर्वी तीनों जगह आपको मिल जाएगा। तो आंवला का उपयोग आप काम करते हैं औषधि बनाने में। अब आता है लाख, लाख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाख से आपको पता हो तो चूड़िया बनाने का काम होता है। इसके अलावा भी इसका उपयोग ये औषधि में भी होता है, तो देखते हैं क्या क्या है। पलास, घोट, कुसुम, बेर और अरहर। पलास, घोट, कुसुम, बेर और अरहर। लाख को मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सीधा पेड़ में रहता है, मतलब लाख का पेड़ रहता है, बल्कि इसको किसी अन्य पौधे से या फिर पेड़ से निकाला जाता है। तो लाख का आपका पलास, घोट, कुसुम, बेर और अरहर के पौधे, इनसे यहाँ लाख निकाला जाता है, और इसका उपयोग आपका चूड़ी बनाने, खिलौने बनाने, ठीक है, इनमें आप यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद आपका औषधि और सौंदर्य के सामान में आप करेंगे। जिलों की जब बात करें तो उमरिया जिला आपका लाख बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और उमरिया जिले में लाख बनाने का कारखाना भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उमरिया जिले में आपको लाख बनाने का कारखाना भी मिलने वाला है। अगला हमारा आता है गोंद। जब गोंद की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तीन प्रकार का गोंद पाया जाता है, बबूल, कुल्लू और एक और रहता है आपका सलाई गोंद। ये जो तीनों गोंद है इनका उपयोग अलग अलग है, तो उपयोग क्या है वो देखते हैं। तो जो बबूल गोंद है, यहाँ एनोगाइसस लेटिफोलिया बबूल रहते हैं, इसका मतलब ये बॉटनिकल नाम है, एनोगाइसस लेटिफोलिया या फिर उसको बबूल भी कहते हैं, उससे प्राप्त होगा। जो कुल्लू गोंद है यह कुल्लू के पेड़ से प्राप्त होने वाला है, और आपका जो सलाई गोंद है यहाँ आपको सलाई के पेड़ से प्राप्त होने वाला है। तो जो आपका बबूल गोंद है, कौन सा, जो बबूल गोंद है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ में करने वाले हैं। इसके बाद आप अगला जो आपका है कुल्लू गोंद, कुल्लू गोंद का उपयोग आपका काफी और पेस्ट्री बनाने में करते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, भारत में अगर बात करें तो भारत अधिकतर इसका एक्सपोर्ट करता है, अर्थात निर्यात कर देता है। इसके बाद आता है सलाई,
सलाई गोंद की जब बात करें तो सलाई गोंद का उपयोग हम सुगंधित पदार्थ, पेंट और वार्निश बनाने में करते हैं। तो आपका बमूल का उपयोग कायम होगा खाद्य सामग्री में, कुल्लू का होगा काफी और पेस्ट्री बनाने में, और सलाई गोंद का उपयोग होगा आपका सुगंधित पदार्थ या पेंट बनाने में। तो इस प्रकार हमने हमारा जो मध्य प्रदेश के वन वाला टॉपिक था वो पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड हमारी वैसे कोई भी चीज अभी छूटी नहीं है, ठीक है। और एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज हम देख लेते हैं कि खेर का जो वृक्ष है यहाँ आपका मुख्य रूप से शिवपुरी मुरैना में पाया जाएगा। इसके अलावा आपका गुना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, सागर और दमोह। जबलपुर को हमने कॉमन देखा था कि हर जगह जबलपुर जिला आपका मिल रहा था, तो नॉर्मली आप इसको लगा सकते हैं। उपयोग की बात करें थी तो कत्था, पेंट, चारू सोधन और रोजी बनाने में हमने कहा था खेर के वृक्ष का उपयोग किया था। इसके बाद हर्रा, हर्रा की जब बात करी थी तो इससे क्या था कि इसके फल से 30-40% टेनिंग निकलता है और इसी टेनिंग का उपयोग आपका पेंट या स्याही बनाने में करते हैं, और साथ में ये जो हर्रा है इसका उपयोग आप औषधि बनाने में भी करते हैं और एक साथ साथ चारू शोधन में, ठीक है। अगला आपने जो जिलों को देखा था तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर, बालाघाट, शहडोल, बैतूल, पन्ना और सिवनी, अर्थात मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में, मतलब दक्षिण से लेके पूर्वी और उत्तर पूर्वी में भी जहां आपको मिल रहा है। इसके बाद था बढ़ा, बढ़ा का उपयोग आप औषधि बनाने में कर रहे थे। अगला है था आपका आंवला, आंवला भी आप औषधि बनाने में कर रहे थे, और यहाँ आपका दक्षिणी, मध्य और पूर्वी अर्थात साउथ में, मिडिल में और नॉर्थ वाले इलाके में आपको मिल रहा था। इसके बाद अगला है था लाख, लाख डायरेक्ट किसी, मतलब ऐसा नहीं लाख का कोई पेड़ होता है, तो लाख हम किसी चीज से निकालते थे, तो वो क्या थे हमारे पलास, घोट, कुसुम, बेर और अरहर का पौधा। थोड़ा सा इसको एक बार याद रख लेना, तो पलास, घोट, बेर, अरहर और कुसुम, पलास, घोट, बेर, अरहर और कुसुम, इन चीजों से आपका लाख निकलता है। और लाख का उपयोग क्या था, लाख का उपयोग भी हमने देखा था कि आपका यहाँ पे चूड़ी, औषधि, सौंदर्य सामग्री और खिलौने, चूड़ी, औषधि और सौंदर्य सामग्री बनाने में हम इसका उपयोग कर रहे थे। इसके बाद उमरिया में आपको लाख बनाने का कारखाना भी मिलने वाला है, मुझे उमरिया, तो उमरिया आपका यहाँ पे बहुत मतलब इसके लिए उपयोगी जगह बन जाएगा। इसके बाद था हमारा गोंद, तो गोंद मध्य प्रदेश में तीन प्रकार का पाया जाता है कि कौन कौन सा, बबूल, कुल्लू और सलाई। बबूल आपका बबूल के पेड़ से, कुल्लू आपका कुल्लू के पेड़ से और सलाई आपके सलाई के पेड़ से। बबूल का उपयोग खाद्य सामग्री में, कुल्लू का आप कॉफी और पेस्ट्री बनाने में, और सलाई का उपयोग आप कायम करने वाले हैं पेंट में, स्याही में, ठीक है, इसमें आप करने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश में जो वन वाला टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हुआ, और वन वाले टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना है, ठीक है। और दोस्तों पढ़ना है तो बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए, कोरोना के डर से ना डरिए, क्योंकि जो चल रही है क्वेश्चन वो तो चल रही है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारी पढ़ाई पे किसी भी तरह से नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कल एग्जाम आ जाती है और कल हम एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर है, तो हमको पहले से प्रिपेयर होकर बैठना है ताकि बंदा सामने वाला कभी भी एग्जाम ले ले, लेकिन हम इस तरह से अपनी प्रिपेयरिंग रखें कि हम कल के दिन ही हमारी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं।